अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मगफिरतुहु। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एज यू नो दैट इन द लास्ट सेशन वी कम टू अक्रॉस बीबीसी न्यूज क्लिप अबाउट द नेल्सन मंडेला, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर द डिकेड्स and they survive with the white supremacy. You can see the picture of Nelson Mandela, who is also called the Mahatma Gandhi of Africa. And here is the front page of his autobiography, Long Walk to Freedom. And ये जो chapter है इसमें ये इनकी जो autobiography है Long Walk to Freedom, इसी में से हमको थोड़ा part दिया गया है। सो लेट स्टार्ट। बैकग्राउंड लास्ट टाइम हम देख गए थे कि क्या है चैप्टर का। ओके, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। We all know that the Nelson Mandela fight for the many years and वो जीत गए थे। उनकी उन्होंने जो fight की थी white supremacy के खिलाफ, और जो Britishers ने उन पर rule किया था, और Britishers को फिर से उनके घर भेजने के लिए उन्होंने जो फाइट की थी, जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में भी की गई थी, तो उसमें ये सक्सेस हो गए थे। और साउथ अफ्रीका में जो है चुनाव हुआ था और इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन में नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। डेट बताइए, 10th में सुबह का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर और ब्राइट, क्योंकि वो नए दिन की नई सुबह है और कुछ नया होने वाला है आज। क्योंकि आज जो नेल्सन मंडेला है, ही इज़ गोइंग टू टेक प्लेज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ही सेड दैट बहुत सारे दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं दुनिया की इंटरनेशनल जो लीडर्स थे, जो बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी, पॉलिटिकल डिग्निटरीज थी, उनसे मैं घिरा हुआ था, जो मुझे इनोग्रेशन के पहले मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। ओके, मेरा सम्मान करने के लिए आ रहे थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनोग्रेशन होने वाला था, ये इनोग्रेशन साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर सब में पहला और बड़ा, सब में बड़ा इंटरनेशनल लीडर्स का गैदरिंग था। यानी पहली बार ऐसा होने वाला था कि साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इतने सारे तादाद में इंटरनेशनल लीडर्स जमा होने वाले थे। द सेरेमनीज टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। लास्ट टाइम मैंने आपको एम्फीथिएटर का फोटो बताया था कि एम्फीथिएटर किसे बोलते हैं। ओके, सो ये जो सेरेमनी होने वाली थी वो यूनियन बिल्डिंग में, एम्फीथिएटर में होने वाली थी, जो सैंडस्टोन से बनाया गया था, पूरा स्टोन से बनाया गया था, जो प्रेटोरिया में था। प्रेटोरिया हमको पता है साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। For decades, this had been the seats of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. I think from 300 years, वो amphitheaters में किसी भी black को entry नहीं थी. Okay? और वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी सिर्फ वाइट थे वही वो एम्फीथिएटर में एंटर हो सकते थे, वही वो एम्फीथिएटर में एंटर हो सकते थे, और वहाँ पर उनका ही यानी रूल होता था, सब चीज़ उनसे ही रूल होती थी। शायद ब्लैक्स ने तो वो एम्फीथिएटर देखा भी नहीं होगा अंदर से,
फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला था कि जहाँ सीट पर जो सीट्स पर एम्फी थिएटर की जो सीट्स पर सिर्फ वाइट्स बैठा करते थे, आज वहाँ पर रेनबो कलर्स होंगे, यानी कि हर कलर के लोग बैठेंगे। और ये जो हर कलर के लोग है और अलग अलग डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस के लोग हैं, वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की वजह से, उसके आने की खुशी में, डेमोक्रेसी आने की खुशी में, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट आई है उसकी खुशी में ये यहाँ पर आके बैठेंगे। एम्फी थिएटर मीन्स अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग स्टेप के थ्रू, ऐसी एक बिल्डिंग जिसका रूफ नहीं होता और स्टेप वाइज सीट्स होती है, जो टिपिकल ग्रीस और रोम के अंदर बताया जाता है, बनती थी पहले। और आप भी हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में से एम्फी थिएटर्स बताए गए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. वो autumn की बहुत अच्छा दिन था जब मैं मेरी बेटी जेनानी के साथ था। मैं जेनानी मुझे कंपनी दे रही थी और पोडियम पर, यानी स्टेज के ऊपर, जहाँ पर से जो एड्रेसर होते हैं वो बोलते हैं, जहाँ पर खड़े रहकर उसको पोडियम बोलते हैं, तो वहाँ पर पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क थे। उन्होंने फर्स्ट शपथ ली, कसम खाई, ओके, स्वॉन, कसम खाना, प्लेज लेना, प्रतिज्ञा लेना एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने, वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने मिस्टर डी क्लर्क। देन थाबो मबेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो थाबो मबेकी थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कसम खाई, प्लेज ली, प्रतिज्ञा ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, अब मेरा टर्न है, आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माय सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मेरा टर्न था, मैंने ये प्रतिज्ञा ली, मैंने ये कसम खाई कि मैं ये जो संविधान है, डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ओके, जो कंट्री में, जो भी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी है और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी होते हैं, तो वो एक शॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ओबे करूँगा और इसको हमेशा पकड़ के रखूँगा। पकड़ के रखना यानी इसको जितना हो सकेगा उतना ओबे करूँगा, उसको कभी यानी ठेस नहीं आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा गया है इसी तरह मैं रूल करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और ये जो रिपब्लिक है साउथ अफ्रीका जो है उसके और उसके लोगों के लिए मैं अपने आप को डिवोट करता हूँ, उनका अच्छे से अच्छा हो, वेल बींग हो, उसके लिए मैं अपने आप को डिवोट करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पर जो भी जितने इंटरनेशनल लेवल के जितने भी गेस्ट थे वो वहाँ पर गैदर हुए थे, स्पेक्टेटर्स में बैठे हुए थे, और जितने भी पूरा वर्ल्ड उनको वहाँ पर देख रहा था, क्योंकि पूरी कंट्री वर्ल्ड की कितनी ही सारी कंट्रीज़ के इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर जमा थे। तो ये नेल्सन मंडेला का जो सेरेमनी थी, प्लेज सेरेमनी, ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रही थी। देन ही सेड दैट आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि आज़ादी, ग्लोरी दैट मीन्स के कन्फर, दैट मीन्स के देना, और ग्लोरी दैट मीन्स के इज्जत देना, ओके। और आज हम सब यहाँ, हम प्रेजेंस जो हुए हैं वो ये बता, ये वो चीज़ यानी आपकी प्रेजेंट मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, यानी फ्रॉम 300 ईयर्स हमने जो कॉलोनियलिज्म को सहा, हम जो ऑप्रेस्ड हुए और हम पर जो ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया, उसके बाद आज हमें लिबर्टी मिली, आज आज़ादी मिली है, तो ये नई मिली हुई आज़ादी जो है उसकी हम उसकी आशा रखते हैं, यानी कि ये अभी और चलेगी,
और ग्लोरी, ग्लोरी दैट मीन्स के हम इसका सम्मान करते हैं. Out of the experiences of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. काफ़ी टाइम से ह्यूमन डिज़ास्टर यानी कि जो जुल्म हम पर हुआ है उसके एक्सपीरियंस में से आज हम बाहर आ गए हैं, जो बहुत लंबा टाइम चला, आई थिंक 300 ईयर्स. और अब जो एक सोसाइटी पैदा हुई है, या अब और आगे जो साउथ अफ्रीका में जो सोसाइटी बनेगी यानी पीसफुल, वो सोसाइटी और वो ह्यूमनिटी को हम प्राउड करेंगे. यानी अब आगे ऐसा नहीं होगा, कोई ऑपरेस नहीं होगा. वी हु वेर आउटलोज नॉट सो लॉन्ग अगो. आउटलोज का मतलब क्या होता है, देखिए पहले वो देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एप्रिथेड मैनी कंट्रीज एट अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका. एप्रिथेड का तो मीनिंग मैंने आपको पता है, बताया है कि पॉलिटिकल ऐसी सिस्टम है कि जिसके अंदर कुछ चीज़ों के लिए डिफ्रेंशिएट करना, लाइक साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक स्किन कलर के लिए कर कलर डिस्क्रिमिनेशन के लिए कर डिफरेंसेस होते थे. तो ये चीज़ के लिए कर काफ़ी इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर साउथ अफ्रीका के दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन थे वो टूट गए थे. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि काफ़ी टाइम पहले से ये हो रहा है कि हम आउटलोज हैं. आउटलोज यानी हम इलीगल हो गए थे. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. बट आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम होस्ट हैं पूरे यानी वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेशंस है उनको आज हमने बुलाया है, वो हमारे गेस्ट है आज और हम होस्ट हैं और ये हमारी सॉइल पर हो रहा है. तो ये प्रिविलेज है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, जबकि हम तो उनके लिए कब से इलीगल हो चुके थे. वी थिंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी. यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के गेस्ट आके बैठे हुए हैं और वो हमारे जो साउथ अफ्रीकन से नेटिव साउथ अफ्रीकन्स उनके साथ ये जो मोमेंट्स है, ये जो लिबर्टी जो हमें फ्रीडम मिला इसके जो मोमेंट्स है वो शेयर कर रहे हैं. ये चीज़ बता रही है कि दे आर ऑल हैप्पी विद द विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. वो सब खुश है ये फ्रीडम से, ये जो हमें जस्टिस मिला, ये जो हमें शांति पीस मिला और ये ह्यूमन डिग्निटी से. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation that means freedom from restrictions. At last, हमने काफ़ी सफ़र किया and at last we achieved the emancipation, political emancipation. हमने ये सब restriction तोड़ दिए political और हमें freedom मिले. अब यहाँ कोई भी white and black discrimination की बात नहीं करेगा. We pledge ourselves to liberty all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering gender and other discrimination. और हम सब मिलके ये प्लेज लेते हैं कि हम हमारे लोगों को लिबरेट करेंगे यानी आज़ादी दिलाएंगे. किस चीज़ से, पॉवर्टी के बॉन्डेज से, गरीबी के बॉन्डेज से, डिप्रीवेशन यानी कि अगर कोई इंसान को बेसिक सर्वाइवल करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो भी उनको देंगे. एंड सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर मेल एंड फीमेल जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई मेल ये कर ही सकता है फीमेल ये नहीं कर सकती, ये चीज़. एंड कलर एंड क्रीड एंड रेस डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो डिफरेंसेस है उससे हम उनको, उससे हम अपने आप को आज़ादी दिलाएंगे. और अब कभी भी ऐसा ये सॉइल पर, साउथ अफ्रीकन सॉइल पर कभी नहीं होगा. वी हैव एट लास्ट अचीव अवर Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ये soil पे अब कभी किसी पर कोई भी जुल्म नहीं करेगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. और ये जो human achievement का sun है कि काफ़ी टाइम बाद हमने political emancipation को अचीव करा है, हम सक्सेस हुए, ये sun कभी भी सेट नहीं होगा.
हमेशा ये ह्यूमन डिग्निटी का ये जो सन है वो हमेशा ऐसा ही चमकता रहेगा. लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. ओके, ये इनकी नेल्सन मंडेला की ये स्पीच थी, ये प्लेज थी एक्चुअली. और ये प्लेज में हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो सक्सेस उन्हें मिली है उसका उन्हें प्राउड है और वो आगे ये सक्सेस को मेंटेन करेंगे और जो पास्ट में हुआ उनके लोगों के साथ वो अब वो नहीं, वो वैसा नहीं होगा. ओके, आई होप आपको समझ आई होगा, आया होगा सब. अब अगर कुछ भी क्वेरी हो तो पर्सनली मैसेज करना. ओके, अल्लाह हाफिज़.